हेलो फ्रेंड्स, फाइनली सिंघम अगेन का ट्रेलर रिलीज हो गया है और सिंघम अगेन का ट्रेलर देखकर इतना ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो रामायण का रेफरेंस दिखा के ट्रेलर को 5 मिनट का ट्रेलर दिखाया गया, 5 मिनट का ट्रेलर ऑफकोर्स होगा भी, जो इतना ज्यादा कैरेक्टर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं वन बाय वन, इतना तोरण तोड़ परफॉर्मेंस लग रहा है वो देखकर, मतलब मजा आ गया। मतलब दिवाली में धमाका होने वाला है, सड़कों पे नहीं सिनेमा घरों पे, मतलब सिनेमा हॉल स्टेडियम लगने वाला है। ऐसा टाइप का एक्शन, ऐसा टाइप का मतलब प्रेजेंट किया जा रहा है सारा कैरेक्टर्स को, मजा आ गया। आज इस वीडियो में सिंघम अगेन का ट्रेलर का ही मैं रिएक्शन देने वाला हूँ, कैसा लगा मुझे मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ट्रेलर का रिव्यू बोलूं, ट्रेलर तो सुपर हिट है, तो सोच लीजिए मूवी कितना सुपर हिट होगा। सिंघम अगेन मूवी 1 नवंबर में आपको देखने को मिलेगा थिएटर्स में। सिंघम अगेन में एक एक कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा था, जैसे अजय देवगन को एज अ श्री राम दिखाया गया, करीना कपूर को सीता माँ के रोल पे दिखाया जा रहा है, फिर ये आते टाइगर श्रॉफ, वो लक्ष्मण जी का रूप में दिखाया जा रहा है, सिम्बा आता है, सिम्बा आपको दिखता है हनुमान जी के रोल में, सूर्यवंशी आता है वो जटायु जी के रोल में। मतलब ऐसे करके एक एक रोल को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, देख के मजा आ गया। और साइड से बीजीएम, ओह सिंघम का बीजीएम बज रहा है उसमें, वो एक्शन डायलॉग्स, सिंघम का डायलॉग्स हमेशा बहुत अच्छा रहता है, आपको मालूम है ये चीज। सिंघम 1 में भी था, सिंघम 2 में भी था, और सिंघम अगेन जो सिंघम 3 है उसमें भी है। शॉक तो मैं एक कैरेक्टर का देख के हो गया, जो कि मुझे लगता है सारा ऑडियंस शॉक हुआ होगा, वो है अर्जुन कपूर का रोल एज अ रावण, जैसे दिखाया गया है कि वो करीना कपूर को किडनैप कर लेता है, उसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलके उसे छुड़ाने जाता है। अर्जुन कपूर का रोल देखकर, मतलब मैंने सोचा नहीं था अर्जुन कपूर को इस तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है एज अ विलन, इतना खतरनाक वो लग रहा है। मतलब देखकर लग रहा है कि मूवी में अर्जुन कपूर कुछ किया है, बाकी मूवीज में तो कुछ करता नहीं था, फिलहाल इग्नोर करते हैं इन मूवीज में, लेकिन इस मूवी में मजा आने वाला है अर्जुन कपूर को देख के। बाकी मैं दीपिका पादुकोण कैसे भूल सकता हूँ, उनको ऐसा कॉप देखकर, वो भी एकदम राउडी कॉप, वैसा देखकर मजा आ गया। मतलब हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि सिम्बा और दीपिका पादुकोण का जो रोल है, वो दोनों अगर एक साथ आएगा, देखने को मिलेगा थिएटर में ना, देखिएगा मजा आ जाएगा। दिवाली में सबको रेडी हो जाइए सिंघम अगेन के लिए। ये मूवी मतलब मुझे तो लग रहा है 1,000-1,500-2,000 करोड़ भी जा सकता है। मूवी का बजट 350 करोड़ का है, लेकिन इसका 3-4 गुना तो ये आराम से कमाएगा, ऊपर से हॉलीडे में रिलीज हो रहा है। तो मतलब रोहित शेट्टी का मूवी और धमाका एक्शन, इतना भर भर के गन सीन्स, एक्शन सीन्स, और एक चीज जो बोला जा रहा है लास्ट में कि दबंग के चुलबुल पांडे, हाँ हमारे सलमान खान जी को भी पोस्ट क्रेडिट सीन में चुलबुल पांडे को दिखाया जाएगा कि किस तरीके से सिंघम अगेन से वो कनेक्ट हो रहा है, और सलमान खान भी न कि चुलबुल पांडे बनकर रोहित शेट्टी का जो कॉप यूनिवर्स है उसमें आने वाला है। तो ये चीज बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। वो ट्रेलर में तो कुछ नहीं दिखाया गया, मुझे लग रहा है ये 1 नवंबर जब रिलीज होगा मूवी ना, उस दिन ये वाला खुलासा हो जाएगा। बाकी चुलबुल पांडे जब ये ज्वाइन कर लेगा ना ये पुलिस कॉप यूनिवर्स का गैंग, ये जितने पुलिस है मुझे लगता है सब हल्के पड़ने वाले है। चुलबुल पांडे भाई चुलबुल पांडे है। सो 1 नवंबर का इंतजार है सब कोई का। 1 नवंबर को जाइए सिंघम अगेन जरूर से देखिए, क्योंकि मजा आने वाला है। सो आज इस वीडियो में इतना ही बोलूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।